कैंट बोर्ड में बीते दिनों हुई 154 पोस्टों की भर्ती पर रिश्वत लेकर भर्ती करने के आरोपों पर लोगों ने कैंट बोर्ड दफ्तर में नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि कैंट बोर्ड मुलाजिमों ने पैसे लेकर भर्ती की है और इस भर्ती में भाई भतीजावाद किया गया है। कैंट बोर्ड में जो पहले से ही बचे मुलाजिम थे उन्हें पक्का नहीं किया गया है। जो लोग भर्ती हुए हैं उनमें से कई लोग मेडिकल तौर पर फिट भी नहीं है और कुछ लोगों पर नशा करने के आरोप भी हैं। इस संबंध में सीईओ मीनाक्षी लोहिया ने कहा कि इस भर्ती में कोई कोताही नहीं बरती गई है, भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी रूप से की गई है। यदि किसी कैंट बोर्ड कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत लेने का सबूत है तो उसे दिखाएं, वह तुरंत कार्रवाई करेंगी। इस अवसर पर अशोक वाल्मीकि, सोनू दिनकर, विजय कुमार, अजय, विशाल, दिनेश, राजेश नाहर, विक्की, निशु, पुनीत, अमित सहित कई लोग उपस्थित थे। जो भी कर रहे बहुत नजायज कर रहे पहली गल तो उम्र निकल चुकी है, मगर मैं ये चाहना सी कि जेहड़े बच्चे बेरोजगार है फिर कह देंदे नशियां दे विच पड़दे है, नशा बेचदे है, ओ मरदे साडे महल्ले बदनाम करदे है, मगर ये जेहड़े ओहदेदार बंदे इन्हां नू होश नहीं आंदी, इन्हां नू सुरत नहीं आंदी भी इन्हां दा हक आ। इन्नी देर दे बेचारे गरीबी दे विच तुसीं घर दे विच वड़ के देखो, एक एक घर दे विच जिहदे विच बहुत सख्त जरूरत है नौकरी दी। और पंजाब के राष्ट्रीय सफाई मजदूर संगठन का मैं जनरल सैकटरी है और ये जी जलंधर कंटोनमेंट बोर्ड के 154 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है। इस भर्ती का सिलसिला जिहड़ा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सहयोग के नाल शुरू होया, डायरैक्टर जनरल कंटोनमेंट दिल्ली की बदौलत ये वो दस्तावेज है। देजे 254 बंदियां की वैकेंसी है, 254 ये सरकारी दस्तावेज है। कंटोनमेंट बोर्ड का जिहड़ा गया होया राष्ट्रीय सफाई मजदूर कमीशन नू मिनट्स पास करके इन्होंने भेजे है। 254 सफाई कर्मचारियों की भर्ती है जिहदे विचों इन्होंने 154 सफाई कर्मचारी कर ले है और 100 जिहड़े आ होल्ड ते कर दिते है। किसी के पास कोई एविडेंस है या कोई कंप्लीट प्रूफ है तो प्लीज ऑफिस की नॉलेज में लाएं। और जहां तक देखें देश में बहुत बेरोजगारी है, हर किसी को एक उम्मीद होती है हर एग्जाम में, और जैसा कि कुछ लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो खुश हो जाते हैं, जो नहीं सिलेक्ट हो पाते उन्हें थोड़ा गम रहता है। बट मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, अभी भी हताश ना हुए पब्लिक, हमारे पास अभी 200+ एक और आर्मी का कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आ रहा है। सो बाय मे जो भी है हम लोग और एक ये वाला वापस एक प्रोसेस शुरू करेंगे एंड कॉन्ट्रेक्चुअल में लॉट ऑफ पीपल विल गेट थ्रू जो यहाँ रह गए, देयर इज ऑलवेज होप। जालंधर कैंट से जतिन राजपूत की रिपोर्ट।